कोई दरवाजे पे दो बोरी चावल और एक टोकरी सब्जी रख गया है। क्या कोई नहीं था वहाँ? कोई नहीं था मदर, कोई पर्ची भी नहीं छोड़ गया। सा मतलब कोई दान देके भी गुमनाम रहना चाहता है, घर में है वो। मदर जी, कमिश्नर साहब मिलना चाहते हैं आपसे। वो मरने वालों और बीमारों के लिए एक जगह देना चाहते हैं। ठीक है, हम जल्दी उनसे मिलेंगे। मदर जी, मिस्टर भट्टाचार्य जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। कहिए भट्टाचार्य जी, कैसे आना हुआ? मदर, मैं आपके और आपके बच्चों के लिए कपड़े और अनाज लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको आशीष दे। मदर, आपके कमरे में बहुत गर्मी है, मैं आज ही आपके और आपके सभी सिस्टर्स के कमरे में पंखे लगवाता हूँ। नहीं नहीं भट्टाचार्य जी, हमें इस घर में ये आदत हो गई है। आप चाहें तो शिशु भवन और कुछ रोगियों के कमरे में पंखे लगवा दें, उन्हें गर्मी से बहुत परेशानी होती है। ठीक है मदर, जैसा आप चाहें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सिस्टर, ये दरवाजे पे कौन पुकार रहा है? मदर, वो एक कोड़ी भिखारी है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जरा देखो तो आज प्रभु किस रूप में आए हैं। क्या हुआ भाई? अरे, तुम्हारा तो पूरा शरीर कोट से भरा है। आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। नहीं माँ। नहीं नहीं भाई, आओ आओ भाई। जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।